है इस वेलकम बैक का और न्यू वीडियो। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही खास पेंटिंग, पटचित्र पेंटिंग। ये पेंटिंग इसलिए खास है, इसका बनाने का प्रोसेस सब कुछ नेचुरल होता है और इसमें जो जो यूज होता है सब कुछ नेचुरल होता है। इसलिए पेंटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा खास लगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ इसे बनाने के लिए। तो मैं ट्राई करूँगा सब कुछ नेचुरल रखने को जहाँ तक मेरे से हो पाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इसमें क्या क्या यूज होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो पटचित्र पेंटिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा पोटो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ माह का पुराना साड़ी और कुछ इमली की बीज। तो चलिए सबसे पहले हम साड़ी को तैयार कर लेते हैं। तो हम साड़ी की किनारों को निकाल देंगे क्योंकि हमें प्लेन चाहिए, जितना प्लेन रहेगा उतना कैनवास अच्छा रहेगा। ये सिर्फ पुराना कॉटन साड़ी में ही होता है, तो आप जब भी बनाएं कॉटन साड़ी में ही बनाएं। तो मैंने यहाँ पे पूरा रेडी कर दिया हूँ साड़ी को। तो मैंने यहाँ पे इतने साइज़ का लिया हूँ, आप चाहे तो बड़ा साइज़ का भी ले सकते हो। इसी तरह आपको तीन बनाना है। तो अब हम बनाएंगे ग्लू इमली की बीज से। सबसे पहले हमें बीज को तोड़ देना है कुछ इस तरह से। ये ग्लू हम यूज़ करेंगे साड़ी को चिपकाने के लिए एक दूसरे से। तो मैंने यहाँ पर साड़ी बीज को तोड़ दिया हूँ अच्छे से। तो अब हम मिलाएंगे इसमें पानी। और हम इसको छोड़ देंगे एक रात के लिए अच्छे से भिगोने के लिए। एक रात भिगोने के बाद ये अच्छे से फूल गया और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन गया है। तो चलिए अब हम इसको पीसेंगे अच्छे से। और कुछ इस तरह से पेस्ट कर देना है। अब इसको एक कटोरी से निकाल देंगे और इसे गर्म करेंगे। सबसे पहले हम पानी डालेंगे, फिर वो पेस्ट को डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिला देंगे और कुछ इस तरह से ग्लू बन जाएगा। मैंने इसे छान लिया था एक कपड़े से। तो अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले हम छत को साफ कर लेंगे अच्छे से। फिर हम एक कपड़ा लेंगे जो हम तैयार करके रखे थे और इसे अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। फिर हम वो ग्लू लेंगे जो हम तैयार करके रखे थे। पहले हम चारों तरफ ग्लू लगाएंगे, फिर बीच में लगाएंगे। अच्छे से ग्लू लगाने के बाद इसे छोड़ दें एक दिन के लिए धूप में सूखने के लिए। और इसको एक दिन धूप में सुखाने के बाद ये अच्छे से सूख गया है। अब हम नेक्स्ट कपड़े को चिपकाने के लिए तैयार करेंगे। सेम वैसे ही साफ करेंगे, फिर कपड़े को चिपकाएंगे। सेम ऐसे ही तीनों कपड़ों को चिपकाना है। तो हमने यहाँ पर ये तीनों कपड़ों को चिपका दिए अच्छे से एक दूसरे से। अब हम इन्हें निकालेंगे एक साथ तीनों को। तो अब हम इसे एक साइड रख देते हैं। अब तैयार करेंगे चॉक पाउडर। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ कुछ चॉक, इसे हम पूरा पाउडर बना देंगे इस तरह से। अब हम इमली का ग्लू लेंगे और चॉक पाउडर को मिला देंगे आपस में। फिर हम वही कपड़े को लगाएंगे दोनों साइड से। जिस साइड हम पेंटिंग बनाएंगे उस साइड हम ज्यादा चॉक पाउडर लगाएंगे और इसे छोड़ देंगे एक दिन धूप में सूखने के लिए अच्छे से। और आप देख सकते हो कितनी ज्यादा अच्छे से सूख गया है। मैंने एक दो बार फिर से लगाया था चॉक पाउडर, तब जाके इतना व्हाइट लग रहा है। अब हम इसको घिसेंगे एक पत्थर की मदद से
इसे एक पत्थर लेना है। जिस साइड हम पेंटिंग बनाएंगे उस साइड हम ज़्यादा घिसेंगे, तो मैंने इस साइड पेंटिंग बना हुआ इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे घिस रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर लगभग तैयार कर लिए हैं कैनवस को, आई मीन फोटो। अब हम इसको कटिंग करेंगे, तो पहले हम मार्क कर लेते हैं फिर हम कटिंग करेंगे। अब हम एक कच्ची की मदद से कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दी है कैनवास को, आई मीन फोटो। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हम पहली बार इतना अच्छा कैनवास बना दिए। ओनली 30 रुपीस खर्चा है इसे बनाने में और इतना बड़ा कैनवास, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके ऊपर पेंटिंग बनाने के लिए। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और उन्हीं लोगों के पास शेयर करें जिनको ये वीडियो जरूरत है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।